जा रहा है इस आंदोलन को, आप 80 दिन से कवर कर रहे हैं, आपको कितने यहाँ पे खालिस्तानी दिखे, कितने पाकिस्तानी दिखे, आप कवर कर रहे हैं ना, कभी ज़्यादा भीड़ होती है कभी कम भीड़ होती है, आप सबसे करीब करीब मिल चुके हैं, आप इन्हीं में से बैठे हैं, आप त्यागी जी हैं, महासचिव हैं, तो आप कहाँ से हैं, ये पगड़ी पहने इसका थोड़ी खालिस्तानी हो गए, आप भाई साहब हैं, हैं वो क्या उनका रंग, उन्होंने बाल पे मेहंदी लगा ली तो क्या पाकिस्तानी हो गए, ये सवाल क्या है, ये भटकाओ का मामला है, ये भटकाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ले लिया है कॉर्पोरेट से बड़ा पैसा। अब सुनो आप सीधी बात, इन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में, और जो इनकी इंटरनेशनल जो ब्रांडिंग हुई है उसमें बड़ा पैसा लगा है, अंबानी अडानी बड़ा पैसा खर्च किया है, पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है, इतना ज़्यादा पैसा दे दिया है इन्हें। आप बताओ कि अभी कानून आया नहीं, कानून आने से पहले ही गोडाउन बनने लगे, क्या माना जाए, 3 साल पहले से गोडाउन बन रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि तब सरकार बिल वापस ही नहीं करेगी, कानून वापस ही नहीं करेगी। सरकार को हर हाल में कानून वापस लेना होगा और नया कानून बनाना होगा। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आप लोग बात ही करना नहीं चाहिए। मोदी जी कहते हैं कॉल करूंगा, एक कॉल दूर हूँ, यहाँ कील लगा देते हैं, मोदी जी की बात का क्या भरोसा, बातों का कोई भरोसा नहीं, लिखित भरोसा चाहिए हमें, लिखित, बोलने में नहीं, बोलने कोई कुछ भी बोल दे कल पलट जाए तो, लिखित का भरोसा होता है, कानून का भरोसा है, अगर आईपीसी की धारा है तो आईपीसी की धारा बदल नहीं सकती। कोई डेडलाइन होगा ना आप लोगों का कि 10 दिन में 20 दिन में किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार आज मान ले, आज ला दे कानून, एमएसपी गारंटी कानून और 3 कानून वापस ले ले, हम अभी रात को चल देंगे। टिकैत साहब ने कुछ दिनों पहले एक बाइट दिया था, उसमें कहा था कि एक टेबल पे आकर के हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन बात करने के लिए उस तरीके की माहौल भी तो सरकार बनाए, जो किसान गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी खत्म करे और कुछ समझौते हम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पिलर सरकार को देने चाहिए ना, बातचीत का माहौल बनाया जाता, सकारात्मक माहौल बनाया जाता, अब इस तरह की बैरिकेडिंग लगाकर, इस तरह के आप कटीले तार लगाकर, कीलें लगाकर आप माहौल तो नहीं बना रहे हो। किसानों, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सिखों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, ठीक है, अच्छी बात है, और आपका प्रवक्ता, आपका मुख्यमंत्री खट्टर जी सिखों को खालिस्तानी कहते हैं, आपके प्रवक्ता संबित पात्रा खालिस्तानी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं किसानों को, आपके तमाम केंद्रीय मंत्री कहते हैं, एक सवाल ये भी ये, है ये फिलर्स हैं। अगर हम भी प्रधानमंत्री जी को चाहें तो हम भी कुछ कह सकते हैं, अनाप शनाप बोलना बड़ा आसान से होता है, लेकिन संयम से धैर्य से हम लोग अपनी बातें कह रहे हैं। हमें जो भी चीज़ चाहिए वो लिखित में चाहिए, हमें गारंटी कानून लिखित में चाहिए, एमएसपी क्या है क्या नहीं है, रहेगा नहीं रहेगा वो विषय नहीं है, एमएसपी हमें चाहिए वो भी लिखित में चाहिए, वो भी गारंटी कानून के तौर पे चाहिए। एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जब बाइट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें कहते हैं सरकार को देख लेंगे, सरकार को बता देंगे, आपको क्या लगता है कि 26 जनवरी के पहले जो देश का एक सिंपैथी किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहा था, और एक तस्वीरें जब देश के सामने जाती हैं 26 जनवरी को, तस्वीरें जिसमें किसान उग्रता करता है, दिल्ली पुलिस के साथ झड़प होता है, उसके बाद दोनों तरफ के लोग, किसान भी इंजर्ड होते हैं, पुलिस भी इंजर्ड होती है, और उस प्राचीर से जहां से हर एक साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहे जो भी रहें वो वहां पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, वहां पर एक धार्मिक झंडा फहरा दिया जाता है, तो जो लोग ये आरोप लगाते थे या कि इसमें सच में खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं और इनको देश से हमदर्दी नहीं है, तिरंगे का अपमान करते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि वो जो फिगर है देश के सामने जो सिंपैथी जुड़ रहा था, उस सिंपैथी को ब्रेक करने में वो कारगर साबित हुआ? सरकार ने कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, 28 को उखाड़ पाए, वो आए थे तंबू उखाड़ने ना, उसके बाद क्या जन सैलाब उमड़ पड़ा, पंचायतें नहीं देख रहे हो आप, तो ये क्या है, जन आंदोलन हो गया है, चक्का जाम हुआ। सुनिए, आपका भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक असली ने 25 जगहों पर चक्का जाम किया, यूपी में अन्य किसान सभा ने किया, बाकी और संगठनों ने किया, आंदोलन स्वतः ही उठ रहा है, जनता उठ गई है, गांव-गांव किसान उठ गए हैं, ये कौन आपको बता रहा है कि ये एक्चुअली क्या है,
आप भी उनके सिंड्रोम में मत आइए। वो क्या कर रहे हैं, एक एक राजा था, उसने कहा दिन है, तो रानी ने भी कहा दिन है, मंत्री ने भी कहा दिन है, चपरासी ने भी कहा दिन है, और सुबह और वो रात रात की बात थी। जो चीज़ें शुतुरमुर्ग की तरह अपने मुंडी को नीचे करने से क्या शेर भाग जाएगा? सच्चाई का सामना करें। ये आरोप जो आप महापंचायत को लेकर के बोल रहे हैं, एक धड़ा ये भी आरोप लगाता है कि जाट तो हमेशा महापंचायत करते हैं, उस दिन टिकैत साहब ने रो दिया, वेस्ट यूपी से आने लगे और अब ये किसान आंदोलन की जगह ज्यादातर जाट इसमें दिख रहा है। गलत बात है, सर्व खाप पंचायत है जिसमें सर्व समाज की जात सर्व समाज का है, उसमें किसान आते हैं, किसान महापंचायत है, वो किसान आ रहे हैं। ये तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, भटकाने का काम, तोड़ने का काम, खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी, ये वादी, पाकिस्तानी एजेंट, फलाना एजेंट, अब जाट ये, अब फिर कल कुछ देर बाद कुछ और, मुझे भी कल कुछ और, आपको कुछ और कह देंगे, तो कहने वाले क्या है, इनका काम है कहना, इन्हें तो दिग्भ्रमित करना है। अरे भाई, इस दिग्भ्रमित करने से हमारा मुद्दा, हम अभी भी कह रहे हैं MSP गारंटी कानून दो, तीन काले कानून वापस लो और नए कानून बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं ना, हम तो ये नहीं कह रहे, हम भारतीय संसद से कह रहे हैं, भारतीय संसद ने वो कानून बनाया है ना, तो हम भारतीय संसद से आग्रह कर रहे हैं कि आप इन किसानों को, भारतीय संसद में बैठे हुए 545 लोग और 243 लोग जो राज्यसभा लोकसभा में हैं, उनसे हम आग्रह कर रहे हैं और हम राष्ट्रपति जी से भी आग्रह कर रहे हैं, वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, वो हमारे संरक्षक हैं लोकतंत्र के एक तरीके से। उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी मेजॉरिटी ऑफ किसान, इतनी बड़ी पंचायत, और चक्का जाम कहाँ से कहाँ तक हुआ, उत्तर भारत से लेकर आपके दक्षिण सुदूर दक्षिण तक, और गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व, उत्तर भारत सुदूर पूर्व तक, उत्तर पूर्व तक हुआ, कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे चक्का जाम नहीं हुआ, किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। प्रॉब्लम ये है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि इसको डील कैसे करें, सरकार को ही नहीं समझ आ रहा डील कैसे करें, वो सोचती है कि इसे थका दें, षड्यंत्र कर दें, इन्हें तोड़ दें, इन्हें भगा दें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये आंदोलन ना कोई एक नेता चला रहा है, ना कोई एक संगठन चला रहा है, 40 संगठन का संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके बाद भी 545 संगठन अलग हैं, पूरे देश भर से छोटे बड़े सारे संगठन लगे हुए हैं, जिनसे हम अभी हम वापस आए हुए, वो लोगों ने, और आपको मालूम है कई ऐसे लोग स्वतः ही आंदोलन कर रहे हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो स्वतः ही आंदोलन कर रहे हैं, तब ये आंदोलन की व्यापकता बहुत बड़ी हो गई है। ये सरकार को अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी और आपकी सोच से बड़ा आंदोलन है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक असली के प्रवक्ता प्रबल कुमार साहे जी, इनसे मैंने वही सवाल किए जो सवाल आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे, और सवाल तीखे थे, क्योंकि हम वो सवाल जरूर करते हैं जो सवाल आपके हों, और सवाल का रूप कुछ भी हो लेकिन जवाब को दिखाना चाहिए। प्रबल प्रताप शाही जी ने जो भी जवाब दिया है वो आप एक्सपोज इंडिया पर देखिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, एक्सपोज इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।